प्रदेश में बढ़ रही घटनाएं अब विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा दे गई है। शुक्रवार की शाम प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं देवरी विधायक हर्ष यादव ने एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नगरवासी मौजूद रहे। कैंडल मार्च नगरपालिका चौराहे से शुरू हुआ, जो बस स्टैंड पर गांधी जी स्मृति के पास समाप्त हुआ। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। प्रदेश सहित जिले में भी इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है जो निंदनीय है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। देवरी कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से जो आयोजन था कैंडल मार्च का, हमारे सम्माननीय पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी के नेतृत्व में, ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होकर और नगरपालिका चौराहे से परम पूज्य महात्मा गांधी के चरणों में यहाँ कैंडल मार्च निकाल के हम लोग ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कंस मामा की सरकार में, शिवराज सिंह की सरकार में जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार करने के बाद उनकी हत्याएं की जा रही हैं, ये अपराध बड़े हैं माताओं बहनों के ऊपर, उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और दिल्ली में जो दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे हैं बड़ी संख्या में पिछले 2 महीने से, और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में नरेंद्र मोदी की निरंकुश सरकार, ये कहना चाहिए इनकी निरंकुश सरकार, इन 3 काले कानूनों के खिलाफ जो हमारे किसान भाई बैठे हैं और वहाँ कड़कड़ाती ठंड में 60 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया है। हम सभी इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और उन किसानों के समर्थन में जन जन पूरे देश के अंदर, चाहे देवरी हो चाहे पूरा सागर जिला हो, सारा देश उन किसानों के साथ खड़ा है, उन महिलाओं के साथ खड़ा है। जिस तरह से पूरे मध्यप्रदेश में हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कृत की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और लगातार मध्यप्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद हो रही है, कुंभकर्णी नींद हो रही है, उसको जगाने के लिए और नारी के सम्मान में, हमारी बहन बेटी के सम्मान में हम लोगों ने एक कैंडल मार्च रखा है। खासतौर से उन बहन बेटियों जिनके साथ दुष्कृत की घटनाएं हुई हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया है। साथ ही वो हमारे किसान साथी जो अपनी जायज मांगों के लिए जो कृषि कानून, काले कानून आए हैं, देश के लिए थोपे गए हैं, किसानों ने अपने जीवन दान दिया है, नौछार किया है, उनने आत्महत्या की है, उनके लिए मृत आत्माओं की शांति के लिए हम लोगों ने एक कैंडल मार्च रखा।